अच्छा जी, आपने देख लिया कि आपने एनएबीसी में नीट अपनी प्रेजेंट कर दी, आपने अप्रोच के बारे में बता दिया, अब आपने बी के ऊपर फोकस करना है। बी असल में आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा, यानी नीट जो आपने बताई है वो बहुत से और लोग भी बता सकते हैं, अप्रोच भी हो सकता है दूसरे लोगों की आपके करीब करीब हो, लेकिन देखना ये है कि आप जो बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं वो क्या है। और यहाँ बी में आपने बताना है प्रिसाइजली कि आपका बेनिफिट क्या है। अच्छा, अब बेनिफिट के बारे में याद रखें, मार्केट के अंदर लोग तीन तरह की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, मैं जेनेरिक टर्म्स में ये बता रहा हूँ, तीन तरह की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। या तो लोगों को सस्ती चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जो लो कॉस्ट हो, या लोगों को हाई क्वालिटी चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी क्वालिटी बेहतर हो, एग्जिस्टिंग चीज़ों से बेहतर हो, या लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें ये दोनों फीचर्स हों, यानी वो लो कॉस्ट भी हो और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। अच्छा, अब आइए मैं आपको, चूंकि उबर एंड क्रीम की मिसाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ये बहुत पसंद है, बल्कि ये एक ये कि हमारे सामने एक जदीद हैपनिंग हो रही है और इससे बहुत सारी चीज़ें, चूंकि टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है, हम समझ सकते हैं अपने नए कारोबार को शुरू करने के हवाले से। अब आप देखिए कि उबर एंड करीम अगर नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। एक तरफ आपके पास टैक्सी सर्विस की ऑप्शन है, और टैक्सी सर्विस जो है वो है तो अच्छी, एक्सक्लूसिव है, लेकिन वो महंगी है। और दूसरी तरफ आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऑप्शन है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती है मगर आप जानते हैं कि ज़रा अच्छी नहीं है। अच्छा, अब उबर एंड क्रीम को लोगों ने इतना भाग के क्यों पकड़ लिया है, इसकी डिमांड इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ गई है? भाई, बड़ी सामने की बात है कि एक तरफ तो ये अफोर्डेबल है, यानी लो कॉस्ट का एलिमेंट है। अगर आप उबर एंड क्रीम में सफ़र करें तो आप, क्योंकि उनका जो वो फेयर मैकेनिज्म है जिससे फेयर कैलकुलेट किया जाता है, वो ऐसा है कि बड़ा जस्टिफाइड है। आम तौर पे जो गाड़ी वाला है उसको भी, और जो पैसेंजर है उसको, उस पर एतराज़ नहीं होता है। दूसरी चीज़, यानी एक तरह से मैं कहूँगा कि वो एक रिलेटिवली लो कॉस्ट सर्विस है। दूसरी तरफ आपको एक गाड़ी मिल रही है, एयर कंडीशन कार है, और उसकी सर्विस क्वालिटी किसी तरह से भी टैक्सी से कम नहीं है। तो आप ये देखिए कि वो आपको जो बेनिफिट दे रही है वो एक ही वक्त में आपको अफोर्डेबिलिटी भी ऑफर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर क्वालिटी भी ऑफर कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपकी जो बिजनेस आइडिया है, आपको यहाँ बताना है बी के अंदर कि बेनिफिट्स क्या हैं। यानी मैं एक सवाल उठाता हूँ, मैं एक तालाब में तैर रहा हूँ, आप मुझे कहते हैं हमारे तालाब में तैर लीजिए आके, मैं कहूँगा भाई मैं आप अपने तालाब से आपके तालाब में क्यों आऊँ, गिव मी अ रीज़न टू स्विच, मुझे वो वजह बताइए कि मैं एक जगह जहाँ सेटल बैठा हुआ हूँ उसको छोड़ के आपके यहाँ क्यों आ जाऊँ। तो आपको मुझे बताना होगा, कोई चीज़ आपने बतानी होगी, जी आप जिस तालाब में तैर रहे हैं इसके अंदर तो एक तरह का पानी रहता है, यानी उसका दर्जा हरारत तब्दील नहीं होता, जबकि आप अगर हमारे वाले तालाब में आएंगे तो गर्मियों में पानी ठंडा होगा और सर्दियों में पानी गर्म होगा, और उसके साथ साथ जो पानी है वो हमेशा आपको साफ मिलेगा। अच्छा, अब आपने मुझे बताया और आपने कहा कि पैसे वही हैं जो आप पहले अदा कर रहे हैं, मगर ये तीन बातें इसमें शामिल हो गई हैं या दाखिल हो गई हैं, तो आप असल में मुझे रीज़न दे रहे हैं कि मैं एग्जिस्टिंग सर्विस को छोड़ के आपकी सर्विस की तरफ आ जाऊं। तो यहाँ बी के अंदर आपको बताना है कि आपका बिजनेस आइडिया कौन सा बेनिफिट ऑफर कर रहा है जो कि दूसरे लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको एनएबीसी अप्रोच में बी का जो बेनिफिट पोर्शन है उसके अंदर आपने क्या लिखना है। और याद रखिएगा, ये जो बी है ये आपकी रीज़न टू विन और लूज बन सकता है। अगर आपका बेनिफिट सब्सटेंशियल है तो आप ज़रूर जीत जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।